ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बिहार में बाढ़ आने के क्या क्या कारण हैं और उनको रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो बिहार है उसका जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी बिहार का जो एरिया है उसमें लगभग हर साल बाढ़ आती है और उससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और मवेशी जो उनके पशु हैं वो मारे जाते हैं और करोड़ों की फसल बर्बाद होती है। ये सब हम इस चीज़ को जानते हैं। तो देखो शुरू करते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में क्या होते हैं मवेशी व लोग मारे जाते हैं, करोड़ों की फसल उनकी बर्बाद होती है बिहार के लोगों की। और साथ ही साथ उत्तर बिहार की लगभग मैं आपको बता दूं कि 76% आबादी हर साल इससे प्रभावित होती है। जो हमारा उत्तर बिहार है उसके लगभग 76% पॉपुलेशन बाढ़ से प्रभावित होती है और पूरे हमारे देश में जो बाढ़ आती है उससे उसमें लगभग 17% एरिया सिर्फ बिहार में है। और पूरे जो बाढ़ में हमारी जितनी पॉपुलेशन प्रभावित होती है हमारे देश में उसका 22% हिस्सा हमारे खाली सिर्फ बिहार के लोग प्रभावित होते हैं, उत्तर बिहार के लोग। तो आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि बिहार के अंदर जो बाढ़ का जो मुद्दा है, कंसर्न है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। बिहार आपको पता है कि हमेशा से ही जन्मभूमि रही थी। पहले आप जानते होंगे कि बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े बड़े महान वीर साधु महात्मा इस भूमि पर पैदा हुए हैं। और आज हमारा जो बिहार देखें तो वो लिटरेसी रेट में थोड़ा पीछे है और साथ ही साथ वो गरीबी रेखा में आता है। क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की बाढ़। अगर वहाँ की बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके, कैसे ना कैसे कोई उपाय करके, अगर गवर्नमेंट उसको, जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो अगर बिहार के ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाए ना तो बिहार के अंदर गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिहार के अंदर हर साल बहुत लोग पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बिहार की यही है। तो आज हम आगे जानते हैं कि बिहार में बाढ़ आने के सबसे कारण, बड़े बड़े कारण क्यों है। तो बिहार में बाढ़ आने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है वहां की भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब किसी भी जगह की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहां पे उस चीज से नुकसान हो रहा है तो उसको कम किए जा सकते हैं। तो बिहार की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ी ऐसी है कि वहां पे बाढ़ आती है। उसके बारे में हम जानते हैं कि बिहार के उत्तर में आपको पता है नेपाल है, और नेपाल, आपको ये बिहार का मैप बनाया इससे मैं सारी चीजें बताऊंगा कि बिहार के जस्ट ऊपर आपको पता है ये नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड में ऊपर क्या है नेपाल है, और नेपाल एक पहाड़ी एरिया है। और आपको पता है जब भी पहाड़ से बारिश होती है, पहाड़ों के ऊपर बारिश होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश कहाँ जाएगी, जहां पे ढलान होगी, जो नीचे का एरिया होगा वहां पे बारिश जाएगी। और जो हमारा बिहार है वो पड़ता है प्लेन्स, मैदानी भागों में, उत्तर का जो एरिया है, तो यहाँ पे जो बारिश आती है वो सारी की सारी नेपाल में जो बारिश आती है वो नेपाल से बहने वाली नदियों से होके कहां पे आ जाती है, बिहार में आ जाती है। इसके ऊपर हम देखेंगे सारा कुछ। तो वर्षा के कारण वहां से बहकर आने वाली नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, और वो जल स्तर कहां आता है, फिर वो बिहार में आता है, क्योंकि नेपाल से कई नदियां हैं जो भारत के बिहार में बहती है। सब जानेंगे बिहार का उत्तरी इलाका मैदानी भाग है जहां नेपाल की ओर से बहने वाली नदियां बहुत तेज गति से बहती है। अब आपको पता है कि ऊंचे एरिया से नीचे एरिया में जब पानी बहा जाता है ना तो उसका बहाव अपने आप ही तेज हो जाता है, तो उनका जल स्तर इतना तेज होता है कि बिहार के लोग कुछ समझ भी नहीं पाते, इतने में तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, उसका जल स्तर बहुत ज्यादा तेज होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि नेपाल से देखो कौन कौन सी नदियां हैं जो भारत में बह के आती है, तो उसमें नदी है गंडक नदी होगी, बूढ़ी गंडक होगी, बागमती नदी होगी, कमला होगी, कोसी होगी। कोसी के बारे में सबसे अच्छी बातें हम जानेंगे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बिहार की पॉपुलेशन को, बिहार की जनता को। इसके अलावा महानदी है, ये सारी नदियां कहां से बहती है? नेपाल से बहती हुई भारत में आती है और ये गंगा में मिलती है। ये है हमारी गंगा मैया नदी जो हमारे बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का जो एरिया इसे नॉर्दर्न बिहार यानी कि उत्तरी बिहार, और नीचे का जो एरिया इसे साउदर्न बिहार यानी कि दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। तो ये ऊपर वाला बिहार का जो एरिया उत्तरी बिहार, ये है सबसे ज्यादा जो क्षतिग्रस्त होता है बाढ़ के कारण, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं, जहां की जनसंख्या, आम जनता, जिसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारे अपने देश के बिहार के लोगों को। तो ये हम जानेंगे। अभी देखो बिहार के 7 जिले जो ऊपर पड़ते हैं, बिहार के 7 जिले, यहां से बिहार के जो 7 जिले जो ऊपर पड़ते हैं कौन कौन से, पूर्वी चंपारण से ले लो, वहां से पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, फिर अररिया और फिर किशनगढ़, ये नेपाल
से सटे हैं, ये सारे के सारे जो ये सात राज्य ये नेपाल से सटे हैं, तो इसलिए सीधा पानी सबसे पहले मार यहां पे करता है और उसका फिर वो जो पानी होता है वो आपको पता है मैदानी भाग है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गति से तेज आता है और इसी सात जिलों से आगे के जिलों में ये पानी फैल जाता है और बिहार में बहुत बड़ा दहशत का कारण बनता है, ध्वस्त करता है वहां के मतलब जो फसल होता है उसको बर्बाद करता है, वहां की आम जनता को प्रभावित करता है। आगे जानो, इसमें जो कोशी नदी है इसका सबसे बड़ा रोल है क्योंकि कोशी नदी एक नदी है जिसकी एक तो लंबाई बहुत ज्यादा है यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। कोशी नदी में सात नदियां मिल जाती है, इसके मिलने के कारण कोशी नदी का जो जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और कोशी नदी की लंबाई लगभग 729 किलोमीटर है नेपाल से लेके भारत में, जिसमें 260 किलोमीटर का इलाका भारत में आता है यानी कि कोशी नदी गंगा नदी में मिलने तक 729 किलोमीटर वो चल के आती है, उसमें 260 किलोमीटर तो खाली भारत में आते हैं, तो अब आप सोच सकते हो और उसमें सात नदियां भी मिल जाती है, अन्य नदियां भी कई मिल जाती है जिसके कारण इसकी जो जो कैपेसिटी है इसकी जो पावर है उसको और ज्यादा बढ़ा देती है जिसके कारण सबसे ज्यादा दहशत का कारण ये बनती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1956 के अंदर कोशी नदी पर एक बांध बनाया गया और जो बांध बनाया गया उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोशी नदी से नेपाल के अंदर अगर जल स्तर बढ़ता है तो क्या किया जाएगा कि जो बांध के गेट है वो खोल दिए जाएंगे जब कोशी नदी का स्तर बढ़ जाएगा नेपाल में, और उसी एग्रीमेंट के तहत अब जब भी नेपाल में बाढ़ आती है तो नेपाल वाले क्या करते हैं जो उसकी बांध है नेपाल सरकार जो उसकी बांध के गेट है वो खोल देते हैं और वो खोलने से वो प्रभाव फिर सीधा कहाँ आता है हमारे बिहार में आता है। अब ये भी कुछ कारण है, उसके साथ साथ है कि गंगा व जो जितनी भी सहायक नदी है ना वो सभी की सभी अपने साथ गाद सिल्ट को लेके आती है, गाद सिल्ट यानी कि एक तरह से मिट्टी जो कचरा होती है उसको लेके आती है। अब उसको लेके आने से क्या होती है वो सारी की सारी जब बहके आती है उसके साथ सिल्ट गाद होती है बहुत ज्यादा, तो जो रिवर है जो गंगा नदी है उसकी जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है क्षमता है वो कम हो जाती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो एक कटोरी है, कटोरी के अंदर हम पानी डालते हैं तो पानी ज्यादा आएगा, उसी कटोरी के अंदर मैंने काफी मिट्टी डाल दी फिर पानी डाला तो पानी क्या आएगा कम आएगा क्योंकि पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो वैसे ही बाढ़ आने के एक कारण में है कि इन सभी नदियों में गाद भरी हुई है, सिल्ट भरी हुई है, गंदी मिट्टी भरी हुई है जिसके कारण पानी का स्तर और ज्यादा ऊपर उठ जाता है और जल स्तर ऊपर उठने से बिहार में बाढ़ आती है। तो ये है कुछ कारण जिसके कारण बिहार के अंदर बाढ़ आती है। जियोग्राफिकल कंडीशन है, ये कहाँ है, बिहार जस्ट नेपाल के नीचे है और जो नेपाल है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से आने वाली नदियां हैं जो बिहार के अंदर आती है, वो सारी की सारी वो कहाँ आती है, आपको पता है कि जब ऊपर का एरिया नीचे ऊपर के एरिया पे बारिश होती है और नीचे ढलान होती है तो ढलान वाले एरिया में ज्यादा जाता है पानी, इसीलिए बिहार के अंदर बाढ़ आती है। तो ये है बाढ़ आने के कारण। अब इस बाढ़ आने के कारण को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेते हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक और चीज कि 2017 में जो बाढ़ आई, 2017 के अंदर जो बिहार के अंदर बाढ़ आई उस बाढ़ से लगभग 19 जिले बिहार के प्रभावित हुए और उसमें 514 लोगों की बताई जाती है कि मौत हुई, 1,71,00,000 लोग उससे प्रभावित हुए और 8.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के दूर जाना पड़ा। और ये एक साल की बात नहीं है, ये हर साल बिहार के लोगों के साथ होता है। आप सोच के देखो कितना ही प्रॉस्पर स्टेट हो उसके साथ अगर इस तरह की कंडीशन हो कि उसमें बाढ़ आए, हर साल बाढ़ आए और उसे छोड़ छोड़ के जाना पड़े, उसकी लाखों करोड़ों की फसल बर्बाद हो, उसके लाखों करोड़ों के घर बर्बाद हो, वहां के मवेशी मारे जाए, वहां की आम जनता मारी जाए, तो बताओ उस स्टेट की कभी प्रोस्पेरिटी आगे बढ़ सकती है क्या, उस स्टेट का विकास हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। इसी कारण बिहार का विकास रुक जाता है, अदरवाइज बिहार के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ सकता है। अगर बिहार की बाढ़ की प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए ना तो बिहार का विकास अपने आप ही तेज गति से होना शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या ये तो है सारे कारण जिनसे आप सबको पता होगा कि बिहार के अंदर बाढ़ आती है, ले दे के बात आती है कि नेपाल के कारण आती है क्योंकि ये नेपाल के कहां निचले हिस्से में है और पानी सारा यहां आता है। अब हम वो कारण जानते हैं जिससे रोकने के उपाय। अच्छा, एक कारण में ये भी है कि जो नेपाल के लोग हैं या वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो पेड़ों की कटाई भी करते हैं, अपनी नीड के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं और पेड़ों की कटाई होने से आपको पता है कि पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपने से जोड़ के रखते हैं और पेड़ जब कट गए तो मिट्टी का अपरदन होता है, वो कट कट के बहने चली जाती है और पानी की जो होल्ड है, पानी होल्ड हो पाता है वो होल्ड नहीं होएगा और मिट्टी भी आगे बहेगी। तो ये भी एक रीज़न है किसका, बाढ़ आने का। अब मैं आपको बताता हूँ
कि भी कौन कौन से उपाय है जिनसे हम बिहार के अंदर जो हमारा एक बहुत ही महान स्टेट जहां पे महान महान हस्तियां पैदा हुई है हमारे इतिहास में, उस स्टेट के अंदर अगर हमें बाढ़ को रोकना है तो क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहला है कि गंगा नदी जो और जो उसके सहायक रिवर है जहां पे गाद सिल्ट भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा मिट्टी भरी हुई है, उसकी सफाई की जानी चाहिए। अब उसकी सफाई करना भी छोटी बात तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि हमें नहर की सफाई करनी है, लेकिन ये किया जा सकता है। इससे स्पेशल टाइप की शिप होती है जिसके अंदर ये सारा कुछ मेथड होता है, जिसमें वो क्या करते हैं मिट्टी को नीचे से काट के और आगे फेंक देती है। तो अगर वो गाद या सिल्ट कैसे न कैसे जो मिट्टी है उसकी सफाई होगी तो उस रिवर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो जल का लेवल जितना जल्दी ऊपर उठता है उतना जल्दी ऊपर नहीं उठेगा। एक रीजन ये है, अगर नदियों की सफाई हो जाए, कचरे को निकाल दिया जाए, जो गाद सिल्ट है उसको कम कर दिया जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा नहरों का जाल बिछाया जाना चाहिए भी, क्योंकि बिहार के अंदर आपको पता है, इस मैं मुद्दे को आगे डिस्कस करूंगा क्योंकि इस मुद्दे का आगे लिंक है। हर क्षेत्र जहां पानी कम आता है वहां जलाशय बनाने चाहिए। जलाशय का मतलब जानते हो, पॉन्ड टाइप जैसे जोड़े वगैरह बना देना, ये बनाने चाहिए हर एरिया में, ताकि जहां पानी कम आता है ना तो बिहार के पानी को, जिसमें आगे हम लिंक करेंगे कि किस तरह से इस पानी को जोड़ के उन एरिया में पहुंचाया जा सके जहां पानी कम है, और जहां पानी कम आता है वहां पे अगर ये जलाशय बने होंगे तो वहां पे पानी को होल्ड करके रखा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बिहार का पानी भी वहां से निकाला जा सकता है, बाढ़ का पानी, और जिन एरिया में ये जलाशय बने हुए जहां पे नॉर्मली पानी की कमी होती है तो वहां पे पानी की कमी भी नहीं होगी। इसके बारे में अपने आगे डिस्कस अभी करेंगे। बांध बनाए जाए, और एक मैं आपको बताता हूं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो बांध बना था 1956 वो बहुत थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी का बांध बना हुआ है। अगर नेपाल वाले, मैं आपको बता दूं कि नेपाल वालों की भी छोड़नी मजबूरी है, क्योंकि एक तो एग्रीमेंट हुआ है तो वो छोड़ेंगे, और दूसरी बात अगर ना छोड़े तो नेपाल वाले ध्वस्त हो जाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं तो मार तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि और नहीं भी करेगी, मान लो नेपाल वाले नहीं होंगे क्योंकि नेपाल का थोड़ा एरिया ऊंचा नहीं होगा, तो क्या होगा, उस बांध को तोड़ दिया जाएगा, पानी उस बांध को तोड़ देंगे, क्योंकि बांध की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतने ज्यादा तेज के पानी को रोक सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले बांध वहां पे बनाए जाने चाहिए जिससे उसकी कैपेसिटी भी बढ़े, और वो बांध ऐसे होने चाहिए जो मल्टीपर्पज हो। मल्टीपर्पज कैसे, उनसे नहरें निकाल दी जाए, उनसे भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाए, तो इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। अगर गवर्नमेंट ये खर्चा करती है, नेपाल गवर्नमेंट मिलके और भारत गवर्नमेंट मिलके आपस में एग्रीमेंट करके अगर ये सॉल्यूशन कर लेती है तो इससे नेपाल को, भारत को और भारत के बिहार को, सबको बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट की जा सकती है, नहरों का जाल बिछाया जा सकता है, और उन एरिया में जहां पानी नहीं आता वहां पे पानी भिजवाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमारे लाखों लोगों को हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जब परेशानी होती है, हर साल जब बाढ़ आती है तब गवर्नमेंट फिर वहां पे फूड वितरित करती है, तो उसका क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा ये तो है एक टेंपरेरी काम करना, अगर हमें परमानेंट करना है तो उस मुद्दे को जड़ से ही सोल्व करना चाहिए, उस मुद्दे को जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो इसलिए ये कुछ करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। और क्या क्या किया जा सकता है, अभी बिहार के पानी को सरकार को चाहिए कि राजस्थान व गुजरात के नॉर्दर्न एरिया जहाँ पानी की कमी हो पहुंचाया जा सके नहरों के माध्यम से, या अंडरग्राउंड वाटर चाहिए। बताता हूँ, देखो भाई क्या चाहिए कि सरकार को ऐसी टेक्नोलॉजी, अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि आपको पता है बिहार के अंदर हर बार बाढ़ आती है, अब उस बाढ़ से निपटा ये जाता है कि अगर हर बार बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के जो पानी है उसको नहरों का जाल बिछाया जाए, ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से तैयार किया जाए। गवर्नमेंट को मैं मानता हूँ उसमें गवर्नमेंट का खर्चा आएगा, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितना बोलने में, और उसमें टाइम भी लगता है। अगर आज गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है तो शायद 5-7 साल लग जाएंगे, लेकिन कम से कम 5-7 साल बाद में हमेशा लाइफ के लिए, ये एक स्टेट की बात नहीं है, ये हमारे कई स्टेटों को इससे बेनिफिट, कई स्टेट्स को हमारे बेनिफिट होने वाला है कि अगर नहर का जाल बिछा दिया जाए अंडरग्राउंड करके, अगर कहीं मान लो लगता है कि पहाड़ी आती है, पहाड़ी इलाके में नहर नहीं लेके जाया जा सकता, तो उस एरिया में गवर्नमेंट क्या करे, अंडरग्राउंड उसको पहाड़ी को काट के कोई पाइपलाइन वगैरह सिस्टम बिछाए, या पहाड़ी के ऊपर से भी पाइपलाइन गुजारी जाए जिसके लिए प्लांट वगैरह सेटअप किया जाए। तो अगर ये कुछ सेटअप अगर गवर्नमेंट कर लेती है तो इससे सिर्फ बिहार को बेनिफिट नहीं होगा, इससे कई स्टेट को होगा। बिहार को कैसे होगा कि बिहार का जो बाढ़ का एक्स्ट्रा पानी है वो वहां रुकेगा नहीं, वो दूसरे स्टेट में सप्लाई कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ दूसरे स्टेट जैसे अपना राजस्थान है, अब राजस्थान के अंदर मैं मानता हूं कि यार एक ओशियन को भी लाके पलट दो ना तो भी ओशियन भी शर्मा आ जाएगा कि यार मेरे को कहां लाके पलट दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं रही, इतने बड़े बड़े टिब्बे हैं। और गुजरात का जो आपको पता है नॉर्दर्न जो एरिया ना, ऊपर की साइड का जो एरिया, उस एरिया में भी
पानी की रहती है कमी, तो अगर वहां का पानी जो बिहार का पानी है इन एरिया में पहुंचा दिया जाए, या नीचे के जो हमारे स्टेट है जो दक्षिणी स्टेट्स आते हैं महाराष्ट्र आता है उनमें अगर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पानी की कमी हो जाती है, तो उनमें भेज दिया जाए। ये सिस्टम अगर गवर्नमेंट एक बार कर दे, इसका सिस्टम अगर गवर्नमेंट स्टेप ले ले, तो हमारे भारत की मतलब मैं कहता हूं डेवलपमेंट बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, और हमारे भारत के किसानों को बेनिफिट मिलेगा। जहां राजस्थान में एक और पानी नहीं आता वहां बिहार में बाढ़ रहती है, तो दोनों स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा, गुजरात को मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा, नीचे के स्टेट जहां पे कहीं लगता है कि पानी का सिस्टम कम है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और देखो भाई एक ये भी हो सकता है, देखो ये सुझाव भी हो सकता है, आपको पता है कि जो हमारी गंगा नदी है ना, जो गंगा नदी है वो पांच राज्यों से गुजरती है, जो हमारी गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी जो बिहार से निकलती है, सॉरी बिहार के अंदर से भी गुजरती है, पांच राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और उसके नीचे है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उसके नीचे का मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, इनसे निकलती है महाराष्ट्र तक जाती है, वो है हमारी नर्मदा नदी। तो अगर कोई स्टेप ले ले गवर्नमेंट एक बार ऐसा स्टेप ले ले कि उत्तर प्रदेश से या बिहार के किसी रास्ते से गंगा नदी को मोड़ के नर्मदा से मिला दिया जाए, जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि सबसे छोटा रास्ता ये है, ये सबसे छोटा पड़ेगा, इसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी और इसमें आसानी रहेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे बिहार से, ऑब्वियसली बात है उत्तर प्रदेश से ही होने वाला है, तो अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए, नर्मदा नदी से जोड़ दिया जाए, तो नर्मदा नदी से जोड़ने से ही क्या होगा, ये पानी सारा जो राजस्थान को है, गुजरात को है, महाराष्ट्र को है, इन तक पहुंच जाएगा। और मान लो फिर भी ले दे के पंगा रहता है कि भाई दिक्कत आ रही है, फिर भी पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, अभी भी पानी बढ़ गया, तो नर्मदा नदी आपको पता है बे ऑफ बंगाल में गिराया जा सकता है, जो बे ऑफ बंगाल है नर्मदा नदी का एक्सेस वाटर है, वो वहां पे गिराया जा सकता है, जिससे बाढ़ के पानी को, जो बाढ़ का स्तर है उसको एकदम खत्म किया जा सकता है। तो ये स्टेप गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, मान लेते हैं इसमें कॉस्ट आती है, लेकिन गवर्नमेंट जब लेगी तो ही हमारे देश का विकास होगा, और इससे पूरे ओवरऑल देखो कई स्टेट्स को बेनिफिट मिल रहा है, जो काफी हद तक बड़े बड़े स्टेट है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने चाहिए। एक आम जनता है वो हर चीज पे टैक्स पे करती है, हर चीज पे, एक आम व्यक्ति जो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी इनकम नहीं है, चाहे वो अपना घर गुजारा भी मुश्किल से कर पाता हो, लेकिन वो भी टैक्स पे करता है, तो क्या गवर्नमेंट उनके लिए इतना ही कुछ नहीं कर सकती? और ये गवर्नमेंट करेगी तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा तो हम जल्दी डेवलप करेंगे, हम डेवलप्ड कंट्री में आ सकते हैं, क्योंकि हम, आपको पता है कि हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान देश रहे, और कृषि प्रधान देश रहे, अगर कृषकों की डिमांड सुनी जाए, ऐसी कमी को दूर किया जाए, तो आपको पता है कि हम कितनी गति कर सकते हैं। तो ये कुछ है, और ये मैंने आपको चीज बता दी। तो ये थी आज की अपनी वीडियो, आई होप सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी, कोई चीज़ रही तो नहीं है जो मेरे अकॉर्डिंग क्लियर नहीं की है। अच्छा हाँ, एक मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो गवर्नमेंट को लगता है, वैसे तो देखो हम हर चीज़ पर टैक्स करते हैं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप ले जिससे किसी एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट या ज़्यादा स्टेट्स का बेनिफिट हो रहा है, तो वो स्टेप लेना चाहिए। अगर मान लो फिर भी गवर्नमेंट ले दे के ऐसा करती है कि भाई गवर्नमेंट के पास इतनी फिनांस नहीं है, फिनांस की प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, वो आएगी, तो इसका भी मैं कहता हूँ कि अगर ये बात गवर्नमेंट जब स्टेप ले, नेपाल गवर्नमेंट से बात करके बांध वगैरह बनाए और आगे का प्रोसीजर जो इंडिया में करे उसके लिए अगर गवर्नमेंट स्टेप ले, तो अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे ऐसे आएगा कि 80% से मोर देन जो इंडियंस है ना उनके पास अकाउंट है, उनका बैंक अकाउंट किया हुआ है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, उसमें से हम खाली इतना मानते हैं कि सिर्फ 40 करोड़ के पास बैंक अकाउंट है, सिर्फ 40 करोड़ के पास बैंक अकाउंट है। और अगर गवर्नमेंट कहे कि हमें फिनांस की नीड पड़ सकती है, हमें जरूरत पड़ सकती है, ये हम स्टेप लेंगे तो ये बहुत बड़ी परियोजना है, इसमें काफी कुछ प्लांट वगैरह सिस्टम हमें करना पड़ेगा, तो हमें फिनांस की कमी आ सकती है, तो अगर ये किसी भी भारतीय को बोला जाए ना, गरीब से गरीब, मैं मान के चलता हूं कि सिर्फ मान लो 40 करोड़ ही बैंक अकाउंट है, और उनके प्रत्येक के अकाउंट से ये रिक्वेस्ट की जाए कि हमें 10 रुपए डिडक्ट करने हैं हमारे इस परियोजना के लिए, तो भी 4 अरब रुपए गवर्नमेंट के पास हेल्प के तौर पे पहुंच जाएंगे, और किसी भी मेरे भाई, किसी भी मेरी बहन को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे 10 रुपए देने से हमारा विकास होगा। गवर्नमेंट ऐसे कितने टैक्स लगाती है, कितने हम पे टैक्स फालतू के इंपोज करती है। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की जो पर यूनिट चार्ज है वो बढ़ा दिया लॉकडाउन के अंदर, वो हमसे ही वसूला जा रहा है। हर चीज के जब रेट इंपोज किए जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं जबकि उसमें लोगों का कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या अगर लोगों को ये बोला जाए कि हम आपका विकास करेंगे, आपका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, आपके अकाउंट से सिर्फ हमें 10 रुपए की हेल्प करिए, तो क्या नहीं करेंगे? हर कोई करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को सबसे पहले इनिशिएट लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, तब कुछ करें। और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि फिर जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, जलाशय, अब अगर वो स्टेप हो गया तो जलाशय बनाए जा सकते हैं। जलाशय का मतलब जहां पे पानी को हम एकत्रित करके छोड़ सकें, और उन एरियाज में ये बनाए जाए जहां पे क्या हो, बाद में पानी की नीडो पूरी की जा सके। अच्छा एक चीज आपको बतानी रहेगी, आपको पता है कि नॉर्दर्न अमेरिका क्या, सॉरी नॉर्दर्न अमेरिका क्या, सॉरी नॉर्दर्न जो हमारा बिहार है यहां पे तो बाढ़ आती है,
लेकिन जो नीचे का कुछ एरिया ना, वहां पे पानी का लेवल इतना कम हो जाता है कि आने वाले टाइम में जो अभी गर्मी का जो अभी मौसम है, इस मौसम में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, पानी का लेवल नीचे चला जाता है। तो क्या गवर्नमेंट उस पानी को वहां पे नहीं भेज सकती? भेज सकती है। और वहां पे तो नीचे का जो कुछ एरिया है ना, वहां पे तो पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों में तो आपको पता है कि पानी को होल्ड करना आसान होता है, कि चारों तरफ पहाड़ है, कोई थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, बाकी नेचुरली वहां पे सब कुछ बना हुआ है, तो वहां पे पानी को होल्ड करवाया जा सकता है, जिससे उस इलाके पर भी क्या हो सके, उस इलाके को पानी मिल जाए, और जो नॉर्दर्न बिहार में जो बिहार जो बाढ़ की प्रॉब्लम है, जो एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम, उसको सॉल्व आउट किया जा सके। तो ये स्टेप तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, हमारे देश की जनता को अगर राहत पहुंचानी है, अगर हमारे देश को विकास के स्तर पे लेके जाना है, अगर हमारे बिहार को बचाना है, अगर रोज रोज की टेम्परेरी जो हर साल गवर्नमेंट करती है, इस खर्चे से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, और आप अपना प्यार जरूर दिखाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।